तो अब एक बात बताओ, एज के एच इंक्रीजेज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज, समझ आई ये बात? और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कब डिक्रीज होती है ना? तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पे ऐसे लिख दो, टेम्परेचर इंक्रीजेज, उस केस में भी क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज के एच इंक्रीज सोल्युबिलिटी डिक्रीज, सही है क्या? समझ आया कि नहीं यार, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? देखो हमने कहां से कहां रिलेट कर दिया, समझ आ गया सबको? तो एज के एच इंक्रीज मोल फ्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीजेज दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, और यही कब हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो या तो के एच इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण सोल्युबिलिटी घट जाती है, वो रिजल्ट आ गया आपका। समझ आया कि नहीं, बोलो कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद देखो, ये इतना तो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है और आगे भी आएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, नया क्वेश्चन बनाऊ जेई मेंस के लिए, नीट में तो नहीं आएगा, जेई मेंस के लिए बना देता हूं 2026-27 के लिए, ठीक, अभी तक आया नहीं, देखना। मान लीजिए प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ है और यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपको दे दिए जाए, ये गैस ए के लिए, गैस बी के लिए, और फिर पूछ लिया जाए इनमें सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका के एच ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी कम। तो स्लोप ज्यादा किसका है, सी का, तो सी की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा ए। ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया नहीं है, नया बना दिया मैंने, ठीक, आना चाहिए, नहीं आ सकता क्या, क्योंकि के एच ऐसे लिखोगे ना आप, के एच किसका ज्यादा है, सी का, उससे कम बी का, उससे कम ए का, एंड सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच है, बताओ, बोलो कोई डाउट है क्या, कर लो।